कैसे आप लोग, मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। काफ़ी लोगों के दिल में ये सवाल है कि भाई लॉकडाउन होगा सिंगापुर में या क्या होगा, तो भाई आज की ही न्यूज़ है, 23 घंटे पहले की न्यूज़ है, मैं आपको बता दूंगा, तो उसका पूरी न्यूज़ सुन लेना ताकि आपको दिल में तसल्ली हो जाए कि भाई काफ़ी लोग जो आ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि कहीं फ्यूचर में लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। तो बता देता हूँ भाई, सिंगापुर में कोई लॉकडाउन नहीं होने वाला है। सबसे पहले एक न्यूज़ है जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में ही मिल जाएगा, उसको ढंग से पढ़ लेना। सिंगापुर की जो गवर्नमेंट ने कमिट कराया कि ओमिक्रॉन केसेस जितने भी बढ़ जाएं या बढ़ रहे हैं वो रीओपन द बॉर्डर्स कमिट करेंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह कि लोगों में यही था कि कब कहीं क्लोज ना हो जाए, फरवरी आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो भाई देखो ओमिक्रॉन के साथ साथ हमें रहना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई बॉर्डर क्लोज नहीं होने वाला है। आप डिस्क्रिप्शन की लिंक की जो वीडियो है ना उसको देख लेना, और हाँ कुछ सेफ्टी मेजर्स ज़रूर वो अप्लाई करेंगे। कुछ हो सकता है वैक्सीनेशन का स्टेटस आपका, दो बूस्टर डोज भी आपको लेना पड़ सकता है अगर आपका यू आर रिक्वायर्ड, और 2 डोज कंपल्सरी है तो आप वैक्सीनेट फुल वैक्सीनेट में काउंट होते हैं। जब आप आएंगे तो आपका PCR होगा और 7 डेज ART वगैरह, तो कुछ सेफ्टी मेजर्स इस तरह से लिए जाएंगे। तो कोई लॉकडाउन नहीं होने वाला है भाई, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि अगर ऐसे ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर में सभी कंट्रीज़ ने बॉर्डर लॉक कर दिए, तो भाई सिंगापुर नहीं करने वाला है। डिस्क्रिप्शन में 2 न्यूज़ के लिंक हैं, आप उसको ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। तो अच्छी न्यूज़ है, अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, अप्लाई करो, वीज़ा अप्लाई करो, कोई लॉकडाउन नहीं होने वाला है। और यही थी न्यूज़, और आप देख लेना, उस न्यूज़ को पढ़ लेना, इंग्लिश में पेपर है। और तो फिर यही थी न्यूज़, जो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि काफ़ी डर लगता है ना कि लॉकडाउन ना हो जाए। सो नो मोर लॉकडाउन इन सिंगापुर।